तो हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस आर ऑसम ऑसम। मतलब यार तुम लोगों ने ब्रह्मास्त्र को कहां से कहां पहुंचा दिया। मतलब हेटर्स इतनी निगेटिव वीडियोस भी बना रहे थे, फिर भी तुमने मूवी को जाकर देखा। मूवी इंडिया में तो रिकॉर्ड बना ही रही है, बल्कि इंटरनेशनल में भी रिकॉर्ड बना रही है, जो कि हमारे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। तो एक बार तुम्हारे लिए तालियां हो जाएं। ओके, अब आते हैं मेन टॉपिक पर। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से शॉक्ड होने वाले हो, क्योंकि आज ब्रह्मास्त्र मूवी की ऐसी शॉकिंग डिटेल्स आपको बताऊंगा जिसे देखने और सुनने के बाद आपका मुंह फटाका फटा रह जाएगा। और इस मूवी की सबसे मिस्टिकल गर्ल ईशा, उसके बारे में विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि ये लड़की भी एक अस्त्र यूज कर रही थी जो कि हमारी आंखों के सामने ही था, फिर भी हमने मिस कर दिया। और साथ ही साथ एक ऐसी पॉसिबिलिटी के बारे में आपको बता रहा हूँ जहाँ पर साइंटिस्ट और अनीस दोनों जिंदा बच गए। आई नो इस बात पे आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन करना पड़ेगा। देखो, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है कि शाहरुख खान का कैरेक्टर और नागार्जुन का कैरेक्टर मर चुका है, और यहीं पे अगर मैं बोलूं ये लोग जिंदा हैं तो तुम लोग ही सोचो कि इतने बड़े कैरेक्टर ओनली कैमियो के लिए रखेंगे। ना 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 ना। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये लोग जिंदा बच चुके हैं, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा मूवी की हिडन डिटेल जो कि आपने पक्का मिस कर दी होगी। तो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, आपने इस वाले सीन में देखा होगा शाहरुख खान जब इस दूरबीन को टच करते हैं तो ये दूरबीन चेंज हो जाती है एक बॉक्स में जिसमें ब्रह्मास्त्र रखा हुआ है। लेकिन आपको बता दूं ये एक माया अस्त्र है, और ये तभी अपने ओरिजिनल शेप में आता है जब इस पर इसके प्रोटेक्ट करने वाले का खून डाला जाए। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि शाहरुख खान ने इसको बिना खून डाले ही खोल दिया। कैसे भाई? तो अगर आपने गौर से देखा हो तो साइंटिस्ट साहब ऑलरेडी इंजर्ड थे, उनके हाथ में ऑलरेडी खून निकल रहा था जिसके कारण ये बॉक्स अपने ओरिजिनल शेप में आ गया था। इसके लिए हैट्स ऑफ देना चाहूंगा एडिटर साहब को जिसने इस चीज को ध्यान रखा। पॉइंट नंबर 2, शिवा इतना दूर होते हुए भी जुनून की आर्मी को आखिरकार देख कैसे पा रहा था? और मुझे पक्का बताया कि इसको लेकर आप बहुत कंफ्यूज्ड होंगे। तो मूवी के बीच में हमें मालूम पड़ा था शिवा देव का बेटा है, देव का अंश है। जैसा कि गुरुजी ने बताया था, देव उस्ताद हो गया था अलग अलग तरीका के अस्त्र यूज करने में। देव के पास थे जल अस्त्र, ज्ञान कवच और सबसे बड़ा अस्त्र अग्नि अस्त्र, और जुनून से ज्ञान अस्त्र की मदद से ही देव कॉन्टेक्ट बनाए रखता था, और इसी के साथ साथ शिवा से भी कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करता था। और तभी टाइम टू टाइम देव उसे एहसास कराने की कोशिश करता था कि मैं लौटने वाला हूँ, डोंट वरी बेटा। तो हाँ, इस चीज को लेकर मुझे ऐसा ही लगता है तो ऐसा कुछ सिनेरियो बना होगा। पॉइंट नंबर 3, आपने कहीं ना कहीं एक चीज तो पक्का नोटिस की होगी, और बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि ईशा का रोल कोई इम्पोर्टेंट रोल है, मतलब ईशा कुछ तो छुपा रही है। अब ईशा के बारे में एक शॉक डिटेल बताता हूँ। जब शिवा एंड ईशा गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं तो गुरुजी शिवा से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो शिवा गुरुजी को बताता है मेरे साथ पास्ट में ये हुआ ये हुआ। तो गुरुजी ईशा को और कुछ लोगों को शिवा के घर भेजते हैं ताकि वो लोग शिवा के घर पर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो गुरुजी के मठ पर ला सके। तो वहाँ पर शोर आ जाता है, शोर वैसे इसका नाम था। तो वहाँ पर फाइट के दौरान ईशा इतने ऊपर से नीचे गिरती है और ईशा बच जाती है, मतलब अनबिलीवेबल। इनमें अगर कोई नॉर्मल इंसान इतने ऊपर से गिरता तो उसके चिथड़े उड़ जाते, लेकिन ईशा को कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर मुझे 2 मिनट के लिए लगा ईशा के पास कोई ना कोई अस्त्र तो जरूर है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ईशा के हाथ में अस्त्र देखा, और वो मैं प्रूफ के साथ आपको लास्ट में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि देव के पास 4 अस्त्र हैं और उनमें से एक अस्त्र है कवच अस्त्र? तो अगर आपको पता हो, महाभारत में कर्ण के पास कवच कुंडल नाम का अस्त्र था, और इस कवच पर किसी भी प्रकार का अस्त्र काम नहीं करता था। और देव के पास कवच अस्त्र होने के कारण देव को कोई भी हरा नहीं पाएगा। मतलब अब आप सोच ही सकते हो पार्ट 2 में क्या ही होने वाला है। पॉइंट नंबर 5, जब लास्ट वाले सीन में जुनून ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है तो बाकी जितने भी अस्त्र होते हैं वो गोल्डन कलर में ग्लो होने लगते हैं, और साथ ही साथ ईशा का अस्त्र भी। रुको जरा, सबर करो, ये चीज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मास्त्र इन सभी अस्त्रों में से सर्वोच्च है, और ब्रह्मास्त्र के पावर में आते ही बाकी के अस्त्र फीके पड़ जाते हैं। और यही कारण था कि देव को काबू में करने वाले अस्त्र भी फीके पड़ गए और देव बंधन से आजाद हो गया। पॉइंट नंबर 6, अब इस पॉइंट को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये पॉइंट शिवा और ब्रह्मास्त्र के बारे में है। जब ब्रह्मास्त्र संसार का विनाश करने लगा तो शिवा उसको आखिरकार कंट्रोल कैसे कर पाता है? वेल, चलिए जानते हैं। तो लास्ट में शिवा अपने फुल पोटेंशियल में आ गया था ईशा को बचाने के लिए, और शिवा इतनी पावर में होता है ब्रह्मास्त्र की पावर को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, तभी उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मास्त्र दिखने लगता है। अब ब्रह्मास्त्र की पावर देव को चाहिए थी, लेकिन ये पावर है शिवा के पास। और हमें मूवी में बताया गया था देव को ब्रह्मास्त्र इसलिए चाहिए ताकि वो ब्रह्मदेव बन सके। अब शिवा ने गलती से किया या फिर उससे हो गया, उसने ब्रह्मास्त्र की पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया है। अब शिवा ही ब्रह्मदेव है। ओके,
ओके, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। मूवी में दिखाया गया है कि नागार्जुन और शाहरुख खान मर चुके हैं, लेकिन उनकी लाश नहीं दिखाई गई। चलिए आपको एक पॉसिबिलिटी बताता हूँ, मे बी जिसमें ये बच गए हो। तो शाहरुख खान एक साइंटिस्ट है और उनकी लैब में हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी वाली चीजें देखी, और सबसे अमेजिंग चीज मुझे ये लगी जब वो पैर से किसी चीज को टच करते हैं और एक चीज ओपन होती है जिसमें बानर अस्त्र वाला एक कंगन रखा होता है। अब ये चीज हमने टोनी स्टार को भी करते हुए देखा है और उसकी लैब में भी ऐसी अमेजिंग टेक्नोलॉजी थी। तो देखो, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी कीमती चीज है जिसकी वजह से आपके ऊपर खतरा बना रहता है, तो आप पूरी तरीका से पहले ही प्रिपेयर्ड रहोगे। और शाहरुख खान ठहरे साइंटिस्ट, और जिस चेयर पर साइंटिस्ट को जरूर ने बिठा रखा है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये चेयर एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चेयर है। और शाहरुख खान ने एक डायलॉग मारा था, मैं कभी नहीं हारता, तो ऐसा हो सकता है ये चेयर पैरासूट में कन्वर्ट हो गई हो। तो हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान की चेयर नीचे जाते ही पैरासूट में कन्वर्ट हो गई होगी, जिससे शाहरुख खान बच गए हो। और रही न्यूज की बात, हो सकता है ये न्यूज साइंटिस्ट ने जानबूझकर चलवाई हो ताकि जुनून दोबारा उन पर हमला न करते और गुरुजी का पता न पूछ ले। अब बात करते हैं अनीश यानी नागार्जुन की। अब अनीश को हमने खाई में गिरती हुई देखा था ट्रक के साथ, तो बहुत लोगों को लगा था कि ये भी निकल लिए। तो शायद आप भूल रहे हैं, जब शोर ने अनीश को गोलियों से भून दिया था, तो अनीश ऑलमोस्ट मर ही गया था। तो आपने देखा होगा कि शिवा ने अनीश को पता नहीं कैसे कंट्रोल किया और उसमें दोबारा पावर आ गई। तो पहाड़ से गिरते हुए हो सकता है अनीश बच गया हो, और पहाड़ से नीचे गिरने के बाद वो बेहोश हो गया हो, और बेहोशी की हालत में शोर ने उससे नंदी अस्त्र चुरा लिया। और वैसे भी नंदी अस्त्र में बहुत पावर होती है। और अब बात करते हैं मूवी के सबसे बड़े क्वेश्चन की, बिगेस्ट मिसिंग डिटेल की। देखो, ये लड़की कहीं ना कहीं पूरी मूवी में हमें हिंट दे रही थी कि भैया मैं नॉर्मल लड़की नहीं हूँ। अगर भाई ईशा नॉर्मल लड़की है, तो इतनी ऊपर से गिरने के बाद ईशा बच कैसे गई? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। चलो खैर, इस बात को छोड़ो, जब मैं इस मूवी को 0.25x की स्पीड से देख रहा था, तो मैंने मूवी की लास्ट सीन में ज्यादा ध्यान दिया और ईशा के हाथ में मुझे अस्त्र देखने को मिला। जब जुनून ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को जोड़ देती है, तो आपने देखा होगा कि सभी अस्त्र जो है वो गोल्डन कलर में ग्लो होने लगते हैं। और इस इमेज में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ईशा के हाथ में कोई चीज ग्लो हो रही है, और वो एक अस्त्र है जो कि ब्रह्मास्त्र के जुड़ने से ग्लो कर रहा है, और थोड़ी देर बाद ही ईशा इसको छुपा लेती है। और लिटरली ये चीज देखने के बाद मैं पूरा शॉक्ड हो गया था। यार, मैं सोच रहा था कितनी मिस्टिकल लड़की है बे। भाई, मैं अभी से सोच रहा हूँ जब इसकी मिस्ट्री पार्ट 2 में खोली जाएगी, तो भैया पब्लिक का क्या ही रिएक्शन होगा। भाई, पब्लिक इसको लव एंगल से देख रही थी, ये तो कांड कर रही है भाई। खैर, मैं यूट्यूब पर एक लौता बनना होगा जो कि इसकी मिस्ट्री खोल कर दे रहा हूँ। खैर, ईशा की मिस्ट्री तो मैंने सॉल्व करके दे दी। एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कहां तक ये चीज सही लग रही है। क्या कोई अस्त्र ऐसा भी एग्जिस्ट करता है जो कि ईशा यूज कर रही है? और अगर कर रही है, तो ये अस्त्र ईशा के पास आया कहां से? खैर, ये चीज हमें पार्ट 2 में मालूम तो पड़ ही जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है? आप अपनी थ्योरी मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। तो ये वीडियो आप उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ब्रह्मास्त्र को लेकर बहुत सारे डाउट हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।